हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त हो गए, लेकिन नीचे कमेंट करके जरूर बता देना आप मस्त हो गया फिर नहीं, रियलमी या फिर साउमी जरूर मस्त हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी रेडमी की नोट 10 सीरीज लॉन्च हो चुकी है रेडमी की तरफ से, और अब जल्द ही रियलमी की तरफ से रियलमी की नोट नहीं रियलमी 8 सीरीज देखने को मिलने वाली है मार्केट के अंदर। अब ऐसे में गाइस रेडमी ये नोट सीरीज के अंदर आपको कुल 3 डिवाइस देखने को मिले हैं, तो इसके जस्ट कंपटीशन में रियलमी अपनी 8 सीरीज के अंदर 2 डिवाइस लेकर आ रही है। हो सकता है एक तीसरा डिवाइस देखने को मिल जाए, रियलमी 8, रियलमी 8 प्रो और रियलमी 8i स्मार्टफोन। अब 8i मिले या फिर नहीं, 8 और 8 प्रो कन्फर्म देखने को मिलने वाला है। मार्च लास्ट में इसकी लॉन्च डेट तो अभी कन्फर्म नहीं हुआ, बट हाँ मार्च लास्ट में आपको कन्फर्म भी देखने को मिल जाएगी, कुछ दिन में आपको लॉन्च डेट भी सामने देखने को मिल जाएगी, जो कि चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन गाइस इन दोनों ही डिवाइस को लेकर सारे स्पेक्स सामने निकल कर आ चुके हैं अलोंग विद प्राइस, तो चलिए बात करते हैं दोनों ही फोन्स को लेकर क्या कुछ स्पेक्स रहने वाला है, क्या कुछ प्राइस रहने वाली है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो ना इस सीरीज को लेकर, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जहां पर मैं बताने वाला हूं कि Redmi Note 10 सीरीज को ये डिवाइस कंपटीशन दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लो, ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रो वेरिएंट के बारे में, जिसको लेकर काफी सारी इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है, जहां पर आपको इस फोन के साथ में 6.6 इंचेस तक की एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, और ये डिस्प्ले ना 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब ऐसा क्योंकि रिसेंटली में Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हुई है, और भैया वहां पर जो प्रो वेरिएंट है, प्रो मैक्स वेरिएंट है, वहां पर आपको 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, अगर आप ध्यान दो तो ऐसे में भाई Realme कंपटीशन करेगी, और ये इसका प्रो मॉडल होगा, सबसे हाईएस्ट मॉडल होगा, तो कहीं ना कहीं इसे प्रो मैक्स या फिर प्रो से कंपटीशन कराना होगा अपने प्राइस को मैच करते हुए। तो यहां पर आपको डेफिनेटली 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, एक सुपर एमोलेड पैनल मिलने वाली है, पंच होल कटआउट आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ही मिलने वाला है, और यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाए शायद से, बट हां इतना कंफर्म है कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट इस प्रो वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। जहां पर इस फोन के बैक साइड डिजाइन की बात करें, तो कुछ दिन पहले ही बैक साइड डिजाइन लीक होकर सामने आई थी, जहां पर आप कैमरा कटआउट देख सकते हो, मुझे अच्छा लगा, सर्कुलर शेप के अंदर कैमरा कटआउट अच्छा लगता है, स्क्वायरी बॉक्सी डिजाइन के अंदर, तो ओवरऑल कैमरा कटआउट तो अच्छा लगा, बट हां यहां पर डेयर टू लीव की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग क्यों देते हो? बहुत सारे यूजर्स को अच्छा नहीं लगता है, आप बताओ आप उनमें से कौन से हो, आपको अच्छा लगता है डेयर टू लीव की ब्रांडिंग या फिर नहीं लगता? मुझे पर्सनली नहीं लगता। एक फोन बाय करो और उसके बाद उनकी ब्रांडिंग को यहाँ पर एडवर्टाइज करो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और गाइज इस फोन के बैक साइड कैमरा की बात करें, तो क्वाड रियर कैमरा हो सकता है, और ये जो कैमरा होगा कन्फर्मली 108 यानी 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर होने वाला है। ऑफिशियल यहाँ पर कन्फर्म हो ही चुका है कि 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होने वाला है, और ये जो सेंसर होगा वही बिल्कुल सेम Redmi Note 10 सीरीज वाला होगा, यानी सैमसंग का HM2 सेंसर, जो कि आपको Redmi के Note 10 Pro Max के अंदर देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी कमाल का टक्कर रहने वाला है कैमरा के अंदर Note 10 सीरीज से। बाकी गाइज अगर बात करें इस फोन के फ्रंट साइड की, तो 32 यानी 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर कन्फर्म देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये फोन कुछ दिन पहले ही Geekbench पर लिस्टेड हो चुका है, जहां पर आपको कन्फर्मली स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि 4G चिपसेट है, और एक सड़ा सा मैं बोलूंगा, मतलब कई फोन्स के अंदर आपने यही चिपसेट दे रखा है, 732G 730G आप दे देते तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता। और अगर इनको Redmi Note 10 सीरीज से कंपटीशन कराना है, तो उसके सभी फोन्स के अंदर, मतलब Redmi Note 10 Pro और 10 Pro Max के अंदर स्नैपड्रैगन 732G मिलता है, जो कि इससे काफी अच्छा है, मतलब 720G से एक पावर इफिशियंट, एक पावरफुल चिपसेट हो जाता है, तो मैं कहूंगा यहां पर चिपसेट को लेकर Redmi Note 10 सीरीज से पीछे रहने वाला है परफॉर्मेंस। अगर स्नैपड्रैगन 720G के साथ में प्रो वेरिएंट आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही खराब बात होगी, कम से कम 730G या फिर 732G। बाकी गाइस अगर बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर ना, तो यहां पर आपको LPDDR4X रैम, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप ही देखने को मिलेगी, और इस फोन के बैक साइड में आपको वही प्लास्टिक बैक मिलेगी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर एक ग्लास पैनल को जरूर अप करना चाहिए, क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज के अंदर आपको ग्लास पैनल मिलती है। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट हां यहां पर एक ग्लास पैनल अच्छा प्रीमियम लुक देता है, एक काफी कमाल का प्रीमियम फील कराता है, तो ग्लास पैनल में भी इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए फोन्स को। बाकी बैटरी की बात करें, तो 4500mAh यानी 4500mAh की बैटरी मिलेगी, 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, तो 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो सही है, बट हां मेरे अकॉर्डिंग बैटरी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, बट अभी के लिए आपको यही मिलने वाली है। जहां पर अगर इस फोन की प्राइसिंग की बात करें, तो आपको डिवाइस कंफर्मली इस प्रोसेसर के साथ में, इस स्पेक्स के साथ में 20,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस यहां पर जो नॉर्मल Realme 8 है ना, इसके स्पेक्स बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इस फोन का बॉक्स भी सामने लीक होकर आ चुका था, जहां पर इस फोन के साथ में एक 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, डिस्प्ले के अंदर कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं होगा कहीं पर भी,
भी मेंशन नहीं है बॉक्स के ऊपर, बट हाँ यहाँ पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी जो कि एक अच्छी बात है, बट 90Hz रिफ्रेश रेट देना ही चाहिए था। अब आप देख रहे होगा इस यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज के अंदर सभी फोन्स के अंदर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और जो दो फोन्स हैं वहाँ पर आपको 120Hz हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा यूनिक करना चाहिए था, बट ये आपको नहीं मिलने वाला है इसके डिस्प्ले के अंदर भी, जहाँ पर आपको पंचोल कटआउट वही टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा कंफर्मली। बट हाँ यहाँ पर अगर बात करें फोन के बैक को लेकर तो यहाँ पर भी पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक होगी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, यहाँ पर भी कैमरा कटआउट आपको उसी तरीके का देखने को मिलेगा रियलमी 8 प्रो जैसा ही, बट यहाँ पर जो आपको कैमरा मिलेगा वो होगा क्वाड रियर कैमरा और प्राइमरी लेंस होगा 64 मेगापिक्सल का। यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉक्स के ऊपर आप कंफर्म देख सकते हो कि मीडियाटेक हीलियो G95 मेंशन किया गया है, तो इस फोन के साथ में आपको मीडियाटेक हीलियो G95 मिलता है और अगर ये फोन 15,000 से नीचे रहा तब तो ठीक है, बट अगर 15,000 से ऊपर आया तो भाई Redmi का Note 10 Pro जो कि आपको स्नैपड्रैगन 732G प्रोवाइड करा रहा है 15,000 से 16,000 के करीब, जहां पर आपको काफी कमाल की डिस्प्ले भी मिल रही है 120Hz हाई रिफ्रेश रेट एक एमोलेड डिस्प्ले, तो एक काफी कमाल का ऑप्शन आपको 16,000 से 17,000 के ऊपर मिल जाएगा, तो इस फोन की प्राइसिंग काफी कम रखना होगा रियलमी को। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G95 से एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये फोन अगर 16 से 17 के बीच आता है तो भी जस्टिफाई करेगा मैं नहीं कहता हूँ, बट हाँ बाकी स्पेक्स भी Redmi Note 10 Pro जैसे रखने होंगे वरना वो आगे निकल जाता है। जहां पर आपको इस फोन के साथ में 5000mAh बैटरी देखने को मिलती है, 30W यानी 30W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है जो कि मैं कहूंगा एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर प्राइसिंग की बात करें तो जो नॉर्मल Realme 8 है उसकी प्राइस आपको 15,000 के करीब और Realme 8 Pro की प्राइस आपको अंडर 20 यानी 20,000 के करीब 19-20 देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस ओवरऑल अगर बात करें ना कि Redmi Note 10 सीरीज से किस हद तक ये टक्कर लेने वाला है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कुछ स्पेक्स है ना वो Redmi Note 10 Pro को पीछे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि Redmi Note 10 Pro में जो कुछ स्पेक्स आपको Redmi Note 10 Pro में मिल जाते हैं 16,000 के ऊपर 17,000 के ऊपर, वो मुझे नहीं लगता कि Realme 8 सीरीज के अंदर दे रही है अब तक के लीक्स के अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या Realme इन सभी स्पेक्स को फेल करके एक नया डिवाइस लेकर आने वाला है मुझे तो नहीं पता, बट हाँ अगर ये स्पेक्स रहे और प्राइस ज्यादा रही तो मेरे अकॉर्डिंग Redmi Note 10 सीरीज आगे निकल जाएगा। बाकी आप क्या कहते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके बता देना, लेकिन अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम कीप वॉचिंग।